नमस्कार होम फूड चैनल को आपण समस्त को बहुत बहुत स्वागत। आज रेसीपी हूँ गोटा बैगन मसला। यहाँ खावाक बहुत ही टेस्ट लगी था। ये वीडियो देखला परे आपण माने निश्चय ये रेसीपी को ट्राए करूँ। चलते वीडियो स्टार्ट करिबा। एठी मो गोटे बड़ साइज़र बैगन को नहीं भल भाव धोईकी पोछी देछि। एबे मो आकु छुरी साहाज्य लंबा लंबा स्लाइस करिकी काटि देबी। एठी मो जेमती वीडियो रे देखौछि सेमती काटिबे पूरा पाखुड़ा पाखुड़ा करिकी, किंतु लास्ट रे जॉइंट थिबो। एबे आरो मसला रेडी करिबा। मसला रे एठी मो गोटे छोटो चम्मच लंका गुंडा नहींछि, लुण एठी आधा छोटो चम्मच नहींछि, हल्दी पाउडर एठी आधा छोटो चम्मच नहींछि, आउ इठी अदा रसुण पेस्ट अधा छोट चमच नहीं गोटे छोट चमच सोरस तेल देदेवि। तापर ये मसला को भल भाव मिसेक मो बैगण में भल से लगेदेवि। बैगन रे पूरा भितर जाए ये मसला को भल भाव लगे। ये देखते मुझे देखी एवं यहाँ फ्राए करने रेडीगला। गैस पर गोटे फ्राए पैन बसई दुई बड़ चमच सोरस तेल दूची। आपण ये रेसीपी को सोरस तेल ही करेंगे बेस भल टेस्ट आसव। तेल पूरा भल भाव गरम होगा ये बैगन को देदे। बैगन को टे तल उपर कर कि मीडियम फ्लेम रे आपको घोर छाड़देबे दुई रु तीन मिनिट जाए। दुई तीन मिनिट पर फेर बैगन को तल उपर कर गोल देबे। तापर आउ थे घोर आउ दुई तीन मिनिट जाए लो फ्लेम रे छाड़देबे। ये देखते बैगन पखापाखि सीझी आसला से सब पाखुड़ा गुरा एम खोली गला। हाई फ्लेम रे चारिपट टे भाजीदे आपको गोटे प्लेट को बाहर करदे। एबे सही तेल रे ही मु गोटे छोट चमच कला जीरा दूची। कला जीरा टिके फुटी आसला मुझे गोटे मीडियम साइज़ रो प्याज को स्लाइस करके दूची। प्याज पूरा भले से गोल्डन ब्राउन हवा जाए आम आपको भाजवा। एबे गैस रो फ्लेम को मीडियम ही रखी थे मीडियम फ्लेम रे ये प्याज को भाजबे। ये आप देखिपे प्याज पूरा भले से भाजी गला। अधा छोट चमच अदा रसुण पेस्ट देदे। टोटाल रेसीपी गोटे छोट चमच ही अदा रसुण पेस्ट लगुच। अधा आम बैगन को मेरीनेट करते आधा ये पकईले आकु गोटे मिनिट खंडे एमती मीडियम फ्लेम रे भले से भाजला परे एथेरे गोटे टमाटर को चॉप करके दे दबा। मोईटी टमाटर को छोटो छोटो करी काटी छी। आपण चाहिले प्यूरी करके भी दे परिबे। एबे आकु भले से गोळी सल्ला परे एबे एथेरे मु स्वाद अनुसार लुण देबी। आउ एटी आधा छोटो चम्मच हल्दी गुंडा दोची। आ ये आधा छोट चमच लंका गुंडा दूची। आप लंका गुंडा पाउडर निज टेस्ट हिसाब से कम बेसी करेंगे। आपको टी भे मिस सारापर एवं मुझे गोटे छोट चमच धनिया पाउडर दूची। एवं आपको भले से गोल सारापर आपको घोर दुई रु तीन मिनिट जाए लो फ्लेम छाड़देव। टमाटर पूरा भले से सीझीज। दुई तीन मिनिट हो गला टमाटर पूरा सीझी गला। ये मुझे दी चम्मच दही देदेवि। दही दे सारापर मुझे भल भाव मिसेक फेर आउ दुई तीन मिनिट जाए घोर लो फ्लेम छाड़देवि।
ଏଇଠି ପାଖାପାଖି 2 ମିନିଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ଆପଣ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତେଲ ଗୁରା ଉପରକୁ ଆସିଗଲାଣି, ତା ମାନେ ମସଲା ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ 2 ଚାମଚ ପୋସ୍ତର ପେଷ୍ଟକୁ ଦେଇଦେବି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆକୁ ବିନା ପୋସ୍ତ ଦେଇକି ବି କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ପୋସ୍ତ ଦେବେନି ତାହେଲେ ଅଦା ରସୁଣର ପେଷ୍ଟ ଆଉ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ଟିକିଏ ଅଧିକା ୟୁଜ୍ କରିବେ। ମୁଁ ଏଇଠି ପୋସ୍ତ ଦେଉଛି ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ସେସବୁ ଟିକିଏ କମ୍ ୟୁଜ୍ କରିଛି। ପୋସ୍ତ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇକି ଫେରେ ଘୋରେଇକି ଆଉ 2-3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଏଇଠି ପାଖାପାଖି 2-3 ମିନିଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମସଲାରୁ ତେଲ ପୁରା ଅଲଗା ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଏଥିରେ ପାଣିକୁ ଦେଇଦେବା। ମୁଁ ଏଇଠି 1 କପ୍ ପାଣି ଦେଉଛି, ଆପଣ ଯେତିକି ଗ୍ରେଭି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ସେହି ହିସାବରେ ପାଣି ଦେବେ। ପାଣି ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇକି ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 5 ମିନିଟ୍ ଯାଏ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ଯେମିତି ପୋସ୍ତ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିକି ପୋସ୍ତର ଫ୍ଲେଭର ଏଇଥିରେ ଆସିଯିବ। ଏଇଠି 5 ମିନିଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବି। ତାପରେ ଏଥିରେ ମୁଁ ବାଇଗଣକୁ ଦେଇକି ବାଇଗଣକୁ ଟିକିଏ ଭଲକି ମିଶାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆକୁ ମୁଁ ଘୋରେଇକି ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ଯାଏ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଛାଡ଼ିଦେବି। 5 ମିନିଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାଇଗଣ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଗଲାଣି। ଏବେ ଏଇ ବାଇଗଣକୁ ଓଲଟେଇ ଦେବି ଆଉ ସେଇଥିରେ ଏଇ ମସଲା ଗୁଡ଼ାକୁ ଉପରକୁ ଏମିତି ଦେଇଦେଇକି ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଆକୁ 2-3 ମିନିଟ୍ ଯାଏ ଘୋରେଇକି ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଛାଡ଼ିଦେବି। 2-3 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଇ ବାଇଗଣ ଗୋଟା ମସଲା ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ଏଥିରେ ମୁଁ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇକି ଆକୁ ଗୋଳେଇକି ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି। ତାପରେ ଆକୁ ଘୋରେଇକି ଆଉ 1-2 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବି, ତାପରେ ସର୍ଭ କରିବି। ଗୋଟା ବାଇଗଣ ମସଲା ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି, ଆକୁ ରୁଟି କିମ୍ବା ଭାତ ସବୁଥିରେ ଖାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଯଦି ଏବେ ଯାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।